एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, और ये कहावत एकदम परफेक्ट बैठती है चीन पर। चीन पर इसलिए ये परफेक्ट बैठती है क्योंकि चीन कुछ ऐसा ही करता है। एक हाथ से वो कहता है कि हम आपके दोस्त हैं और दूसरे हाथ में उसके होता है खंजर। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी की वजह से जो त्रासदी आई है उसके बाद दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े हैं। वो मेडिकल सपोर्ट भेज रहे हैं भारत को, कई देश सांत्वना दे रहे हैं, कई देश ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं, जिस चीज की भी जरूरत होगी वो भारत को तुरंत से तुरंत मुहैया कराएंगे। चीन ने भी इसी कड़ी में काम किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा, लेकिन इस खत के पीछे क्या हो रहा है? जी हाँ, इस खत के लिखने के बाद चीन की सेना जो है वापस से एलएसी पर अपने पुराने पोजीशन पर दबे पांव लौट रही है। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। आज इस वीडियो में बात होगी चीनी सेना के उस दबिश के बारे में जो कि वो कोरोना महामारी के आड़ में कर रहा है। ये दबिश है एलएसी पर और इसी दबिश को डिकोड कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपनी उपस्थिति को एक बार फिर से मजबूत कर लिया है। इतना ही नहीं, पूर्वी लद्दाख के भीतरी इलाकों में स्थायी आवास और डिपो चीन ने बना लिया है। यानी बातचीत के बीच चीन एक बार फिर से आक्रामक शैली में नजर आ रहा है। फरवरी महीने में हुई बातचीत के बीच जिस तरह से दोनों देशों ने पेंगोंग सो से अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाया था, उसके बाद धीरे धीरे मामला शांत होने की उम्मीद जगी थी। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे के आसपास वाले क्षेत्र पर चीनी सैनिक डटे हुए हैं। कई महीनों की तनातनी के बाद पिछले दिन भारत और चीन के बीच लद्दाख में विवादित क्षेत्रों से पीछे जाने को लेकर रजामंदी हो गई थी। साथ ही दोनों ओर से डिस एंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद भी शुरू कर दी गई थी। भारत तक को मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सेना वापस से अपने सर्दियों वाले पोजीशन में आ गई है। सर्दियों वाले पोजीशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त तनाव चरम पर था। सर्दी भी चरम पर थी, तनाव भी चरम पर था। दोनों ओर से लगभग लाखों की सेना में फौज जो थी वो तैनात थी। इस बार फिर से वापस चीनी सेना आक्रामक हुई है और वहां पर उसने अपने रहने के लिए पक्के जो शेल्टर्स हैं वो भी बना लिए हैं, डिगो बना लिए हैं। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि चीन जो है वापस से आक्रामक हो गया है। उन्होंने वहां पर स्थायी निर्माण आवास और मिलिट्री बिल्डिंग बनाई है। फरवरी महीने में जो सहमति बनी उसके मुताबिक फिंगर फोर में दोनों ओर से पेट्रोलिंग नहीं होगी। फिंगर फोर को नो पेट्रोलिंग जोन घोषित किया गया है। ये चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले साल मई में तनाव तब शुरू हुआ था जब पेंगोंग झील पर चीनी सेना ने अपना दावा बढ़ाना चाहा था। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सेना ने विश्वासघात करते हुए पेट्रोलिंग पर गई भारतीय सेना पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस हमले में भारत के 20 जवानों ने बलिदान दिया। चीन के कई जवान मारे गए लेकिन उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि मारे गए चीनी सेना के जवानों की जब कब्रगाह की तस्वीरें सामने आई तो चीन ने इस बात को कबूला। चीन के कई अखबारों के संपादकों ने भी इस बात को कबूला। चीन ने भी कबूला कि उसके सैनिक मारे गए थे। लेकिन अब जब वापस से चीन अपने पोजीशन पर वापस लौट रहा है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फिर से एक बार एलएसी पर आपको तनाव देखने को मिल सकता है।